सूरजपुर में दोहरे हत्याकांड के मुख्य आरोपी कुलदीप साहू अवैध घरों पर बुलडोजर कार्रवाई को पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गलत बताया। उन्होंने इसे गलत करार देते हुए कहा कि हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं, न कि जंगल राज में। उनका कहना था कि संविधान और प्रजातंत्र की स्थापना इसलिए की गई थी ताकि हर नागरिक के अधिकार और हितों की रक्षा हो सके और बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के किसी पर भी कार्रवाई करना अनुचित है। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान बलरामपुर पहुंचे सिंहदेव ने मीडिया से बातचीत करते हुए स्पष्ट किया कि कानून का पालन सुनिश्चित करना ही लोकतंत्र की नींव है। हमने राजा की व्यवस्था इसलिए बदली क्योंकि कानून का शासन और निष्पक्ष न्याय पर हर नागरिक का अधिकार होना चाहिए। संविधान इसलिए बनाया गया ताकि हर व्यक्ति के साथ उचित और समान व्यवहार हो सके। उनका मानना था कि ऐसी कार्रवाइयां कानून की प्रक्रिया का उल्लंघन करती है और जनता में एक गलत संदेश भेजती है कि बिना न्यायिक प्रक्रिया के भी कार्रवाई की जा सकती है। गलत है, देखिए आप एक भावना भी प्रेरित कर देते हैं कि तुरंत आप न्याय दे रहे हैं। हम एक विकसित समाज में रह रहे हैं कि हम जंगल राज में रह रहे हैं? यही तो पहले होता था भाई। आपने राजा की व्यवस्था क्यों बदली? आपने कहा कि राजा तो कन्हर पार कर देता था, किसी को कोई भी सजा दे दी। कानून के तहत चलना है ना हमको। हमने प्रजातंत्र को क्यों अपनाया? हमने संविधान को क्यों बनाया? हमने इसलिए संविधान को बनाया और इसलिए हमने प्रजातंत्र को अपनाया कि हर नागरिक की हितों की रक्षा होगी। आप बुलडोजर कैसे चला दोगे बिना किसी कार्रवाई को किए? बुलडोजर का कोई औचित्य होना चाहिए ना। आप पता नहीं सूरजपुर में बुलडोजर किस प्रकरण में चला, मुझे आप बता रहे हैं। कुलदीप साहू थाने में बैठ के एबे तेबे करके थाने में बैठ के बोलता था, भे जाओ लाओ 20 समोसा लेके आओ। जब वो जिला बदर की कार्रवाई के तहत था तो वो थाने में बैठ के सूरजपुर के थाने में और पुलिस के कर्मचारियों को बोलता था, भे जा था तो 20 समोसा लेके आ। वो बुलडोजर चला रहे हैं आज, मतलब उसे पुलिस का संरक्षण था। 100% उसमें कहने की जरूरत है। देखिए इसमें भी क्या हुआ, आपने ट्रांसफर किया, कलेक्टर का ट्रांसफर हुआ, एसपी का ट्रांसफर हुआ। एसपी और कलेक्टर के ट्रांसफर से क्या न्याय मिला? जिन लोगों ने उसको थाने में बैठा के मान लीजिए कि गले में हाथ डालने वाली बात हो गई, अबे जा तो 20 समोसा लेके आ, जिला बदर का व्यक्ति थाने में बैठ के, आप उसका मन ऐसा बढ़ा दे रहे हो कि अरे ये तो बॉस हर नियम कानून के ऊपर हो गया, तो हिम्मत उसका नहीं होगा इस प्रकार की घटना करने का। आप पूरी तरह से जवाबदार हो जिन्होंने खुले आंख से इस प्रकार की वारदात को होने दिया।